सज्जनों, आज मैं श्रद्धा विश्वास और प्रेम की त्रिवेणी, तथा श्रद्धा विश्वास और प्रेम जिसमें है उसमें कितनी शक्ति है, वो जैसे त्रिवेणी प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का कितना बड़ा महत्व है, कि उसी प्रकार से श्रद्धा विश्वास प्रेम जिसमें एक साथ आ जाए उसमें उतना ही बहुत बड़ा महत्व, जो असंभव कार्य को भी संभव करने की क्षमता रखता है। इसके लिए मैं एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले प्राचीन समय की बात है, गोकुल और मथुरा के बीच में यमुना नदी सभी जानते हैं। तो गोकुल से प्रतिदिन एक ग्वालन मथुरा दही लेकर बेचने जाती थी, और उस समय अधेला धेला तक बोलते थे, पैसा का जो होता था उसको धेला बोलते थे, धेला चलता था एक बार नाव में एक बार उस पार होने के लिए। तो धेला दे करके वो रोज उस पार जाके दही बेचती थी ग्वालन, और धेला जब उधर से आने के बाद फिर धेला लेकर अपने घर वापस, ऐसा करके रोज प्रतिदिन आप दही बेच कर अपना गुजारा करते। एक दिन की बात है कि वो पहुंचती है मथुरा जब दही बेचने, अचानक उसकी दृष्टि पड़ती है और उसके कान में सुनाई देता है कि एक पंडित जी कथा सुना रहे। वो खड़ी हो गई और पंडित जी की कथा को श्रवण करने लगी, और वो क्या सुनी कि पंडित जी उस समय कह रहे थे कि जो इस कथा को श्रद्धा भाव एवं प्रेम के साथ सुनता है, और पंडित जी को भोजन खिलाता, प्रेम से श्रद्धा विश्वास प्रेम से भोजन कराता है, श्रद्धा विश्वास प्रेम से पंडित जी को दक्षिणा प्रदान करता है, वो बड़े से बड़े सागर पार कर जाता है। बस इतना सुनी और उसके मन में ऐसा भाव पैदा हुआ कि मैं भी कितनी मूर्ख हूँ कि रोज ढेला देती हूँ, अगर एक बार मैं इस प्रकार से मैं भी पंडित जी को कथा पंडित जी के मुखार बिंदु से सुन लूँ और बढ़िया दक्षिणा दे दूँ, भोजन करा दूँ, तो मुझे ढेला भी नहीं लगेगा। मैं ये तो नदी है, जब सागर पार कर जाते तो ये तो नदी, तो मैं यमुना नदी तो ऐसे ही पार कर जाऊँ। ऐसा सोच कर उसने पंडित जी के पास गई, पंडित जी से निवेदन की हाथ जोड़कर कि पंडित जी मैं भी चाहती हूँ कि आप एक दिन मेरे, मैं वहाँ रहती हूँ गोकुल में, एक दिन मेरे घर आप चलें और वहाँ कथा मुझे सुनाए, मैं कि मेरा निवेदन है। तो पंडित जी ने स्वीकार कर लिया, उनका तो काम है। पंडित जी के साथ उस दिन उनको लेकर पंडित जी को साथ में लाए, नाव से आए यमुना पार करके गोकुल में, पंडित जी ने कथा सुनाया। पंडित कथा सुनने के बाद उसने प्रेम से भोजन प्रसाद खिलाए पंडित जी को, आदर श्रद्धा श्रद्धा विश्वास प्रेम के साथ, श्रद्धा विश्वास प्रेम से पंडित जी को दक्षिणा दी। इसके बाद वो बोली, पंडित जी चलो मैं आपको मथुरा छोड़कर आती हूँ। तो पंडित जी को साथ में दी, साथ में ले जाके जब चली जा रही है, जब यमुना जी के किनारे पहुंची तो पंडित जी ने क्या देखा, उन्होंने सोचा कि नाव से ले जाएगी, तो लेकिन उन्होंने पंडित जी का हाथ पकड़ा और यमुना नदी में चल पड़ी पैदल। जब घुटने के बल आया, फिर गांठों में पानी आ गया, कमर तक आ गया, तो जबरदस्त पकड़े लिए जा रही पंडित चले जा रहे। जब पंडित जी के गले के नीचे छाती तक पानी आ गया पहुंचकर, तो पंडित जी उनका हाथ छुड़ाकर पंडित जी भाग कर किनारे आ गए, और वो किनारे आ गए, लेकिन वो बढ़ती गई और वो उसी उतने पानी में ही वो आगे यमुना पार कर गए, और पंडित जी आकर उन्हें वापस। अब इसके बाद सज्जनों, जब उसको पूर्ण विश्वास हो गया, इसके बाद उस दिन से न उसको ढेला भी नहीं लगता था, प्रतिदिन वो इसी प्रकार आना जाना पैदल करते हुए और अपना दही बेचते हुए। और वही पंडित जी को देखो जिन्होंने सुनाया, तो वो स्वयं डर गए, क्योंकि उनमें वो चीज का श्रद्धा विश्वास प्रेम की कमी थी। तो श्रद्धा विश्वास प्रेम में जिससे ये शिक्षा मिलती है, मैं कह सकता हूँ कि बड़ी अद्भुत लीला है। उसके लिए मैं अपनी पंक्ति में, कुछ स्वरचित पंक्ति में प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रद्धा विश्वास प्रेम की, श्रद्धा विश्वास प्रेम की लीला परंपार, जिसमें तीनों गुण मिले उसका बेड़ा पार, जिसमें तीनों गुण मिले उसका बेड़ा पार, उसका बेड़ा पार करे इच्छा जो मन में,
उसका बेड़ा पार करे इच्छा जो मन में पूरी हो अति शीघ्र मिलती है शक्ति लगन में, पूरी हो अति शीघ्र मिलती है शक्ति लगन में। कह एमएल सिंह दास, कह एमएल सिंह दास सुनो भारत के बंदा, कह एमएल सिंह दास सुनो भारत के बंदा, प्रेम भाव विश्वास से रखो तुम सच्ची श्रद्धा, प्रेम भाव विश्वास से रखो तुम सच्ची श्रद्धा। तो मैं बस मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें किसी श्रद्धा आप रखे, श्रद्धा विश्वास प्रेम तो सब काम असंभव काम भी संभव।